अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त जामा कलात मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं जो कि जामा कलात मार्केट के चेयरमैन हैं। आए इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि पार्किंग को लेकर जो है इनको किस किस इशू का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो हमारी इनकी पार्किंग की होगी, उसके बाद आगे जो है हम मज़ीद इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरशाद साहब? मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और KMC या DMC के लोग आते हैं और वो गाड़ियाँ जो है उठाकर लेकर जाते हैं, तो जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे होते हैं, तो वो किस तरह से आप उनको हेल्प आउट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पार्किंग का इशू बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, पार्किंग की जो गाड़ियाँ लिफ्ट की जाती हैं वो KMC और DMC के थ्रू नहीं होती, वो ट्रैफिक पुलिस के थ्रू होती हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस इसको हल करने का मजाज भी रखती है। अच्छा, गाड़ियाँ उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए तो वो आ जाते हैं क्योंकि उनकी कमाई है, उनकी अर्निंग होती है इससे। अच्छा, एक एक बाइक अगर उठाई जाती है तो उसे 300-300 रुपये उनसे चार्ज किए जाते हैं और जो गवर्नमेंट के खजाने में 100 रुपये जा रहे होते हैं, बाकी 200 रुपये उनकी जेब में जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाहर हमने DIG ट्रैफिक अभी जो कराची मौजूद है हमारे, हमने उनसे मीटिंग की, उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले सहूलत प्रोवाइड करें, उसके बाद आप ये लिफ्टिंग करें तो समझ में आती है, सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर हमने उनसे एक बात और कही कि हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार दें जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, वो देने के लिए वो भी तैयार नहीं है। हमारे पास पहले, आज से तकरीबन कुछ माह पहले, कुछ अर्सा पहले ट्रैफिक वार्डन्स थे जो ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता था, लेकिन अब वो ट्रैफिक वापस ले ली गई है और कराची DIG ट्रैफिक जो है वो हमें मजीद पुलिस देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मकसद यही है कि वो चाहते नहीं है कि मसला हल किया जाए। यहाँ से जो गाड़ियाँ उठती हैं वो ट्रैफिक, जो ट्रैफिक यहाँ के करीब थाना है वहाँ पर जाती हैं, वहाँ से 300 रुपये लिए जाते हैं, तो मतलब आवाम को किस तरह से पता चले कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ गई हैं? मतलब आवाम तो परेशान है। यहाँ पर आप लोगों को एक पार्किंग एरिया रखना चाहिए, क्यों नहीं प्रोवाइड किया आप लोगों? देखिए जी, हम तो ये काम है इंतज़ामिया का, ये काम है सिस्टम का, गवर्नमेंट का, सरकार का, ये काम हमारा नहीं है। हमारा तो दुकान को अपनी रन करना है, हम तो दुकान रन कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ये सहूलत देने के लिए तैयार नहीं, अच्छा ये क्या कोई भी सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी हवाले से हमें सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी तरह, असल में बात तो ये है कि सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जाके बोलें किसको। हमारी जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर सदर टाउन लगी हुई है मैडम अफशा रुबाब मैडम, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर उनको कोई मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब उनको अगर कोई कॉल कर देते हैं तो वो उनसे मिल लेती हैं, अदरवाइज़ वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो जस्ट लाइक मतलब वो, मैं अगर ऐसा ना कहूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो ऐसा लग रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर सदर टाउन नहीं है, वो कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगी हुई है, मतलब मुलाकात तक करने के तैयार नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही तो सारा एडमिनिस्ट्रेट मतलब संभालता है ना एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो तैयार नहीं है तो किस कौन मसले हल करेगा? वो सुनने के लिए तैयार नहीं, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। अदरवाइज़ अगर उनसे कोई मीटिंग के लिए बोल दिया जाए, उनसे फ़ोन किया जाए, उनसे बात की जाए, तो वो लाइन डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो ये हाल है, तो इसको मकसद यही है कि ये चाहते ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट के ये कराची को सहूलत दी जाए या कराची के लोगों को कुछ मतलब किसी भी हवाले से कोई मतलब इनको तरक्की दी जाए। अच्छा, अभी मैं जब आ रही थी तो ये पूरा रोड जाम पड़ा हुआ था, ठीक है, पूरा रोड जाम था। एक साइड पे जो है वो, एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड पे पार्किंग है, पथारे लगे हुए हैं, तो इस हवाले से मतलब पथारे के हवाले से तो काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई काम होता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, पथारे का मसला ये कराची का सिर्फ जामा कलात का नहीं है, पूरी कराची का है। अच्छा, हमने अलग अलग का शुक्र, जब से जामा अलायंस मार्केट वजूद में आई है उसके बाद हमने 12 इनकी FIR लॉन्च कराई है, इनको गिरफ्तार भी कराया है। ये पथारा जो है माफिया है और इस माफिया से हम दुकानदार लोग हैं, हम इससे पुलिस के साथ मिल ही लड़ सकते हैं। अब पुलिस के साथ मिलने का मकसद ये कि हम FIR लॉन्च करा सकते हैं, इनको उठवा सकते हैं, वो भी हमने कर लिया, इनसे लड़ भी लिए, इनसे झगड़ा भी कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, फिर भी ये माफिया जो है काम में नहीं आती, उसकी हरकत में बाज नहीं आती। उसकी वजह ये है कि ये जो माफिया है ये गवर्नमेंट DMC इनसे पैसे लेती है, KMC इनसे पैसा लेती है, पुलिस इनसे पैसा लेता है, ट्रैफिक पुलिस इनसे पैसे लेते हैं, तो मुझे आप बताइए कि कंट्रोल कौन करेगा, इसको संभालेगा कौन? जब सारे इदारे अगर इनसे पैसे ही ले रहे हैं, आप इनको संभालने वाले जो इदारे पैसे ले रहे हैं वही तो इसको संभालेगा, तो मुमकिन नहीं। अभी जब मैं आ रही थी तो लास्ट में कॉर्नर पर एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि स्लिप दे रहा है और पार्किंग की स्लिप पैसे वसूल कर रहा है, तो क्या वो आप लोगों ने मतलब आपके आप खुद चेयरमैन हैं आपने या फिर सदर साहब ने उनको रखा हुआ है स्लिप देकर कि आप लोगों से जो है वो पार्किंग के पैसे वसूल? नहीं, ये तो आप मुझे बता रही हैं किस जगह लिया, मुझे नहीं मालूम, अभी आप मुझे बताएंगी। ये आज मीडिया की गाड़ी देख के तो लोग वैसे ही नहीं लेते, लेकिन आम लोगों से वसूल करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम, ये आज अगर अब ये बता रही हैं तो मैं इसको देखूंगा। चार्जेस हमारे पास नहीं है,
चार्ज पार्किंग कोई नहीं है, वो अगर कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई आ गया हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर चार्ज पार्किंग नहीं है अभी तक। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केट में जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त शॉपकीपर्स हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों ने दी हुई हैं, उनके लिए कोई मीटिंग वगैरह आप लोग अरेंज करते हैं, किस तरह से सारा कुछ जो है वो, माशाल्लाह इतनी बड़ी मार्केट है ये, तो इसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल जी, देखें इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमारी मीटिंग्स होती हैं, मतलब हर महीने दो महीने डेढ़ महीने के अंदर हमारी मीटिंग्स होती हैं और उस पर हम बैठ के डिस्कस करते हैं। आपको दिख रहा होगा शायद हमने कैमरे लगाए हुए हैं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए, हमारे पैसे से कैमरे लगे हुए हैं। हमारी मार्केट में जैसे जामा अलायंस वजूद में आई थी उससे पहले डकैतियाँ बहुत थी, अल्लाह का शुक्र है हमारी एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं हम बहुत एक्टिव लोग हैं और पूरे कराची के अंदर मैं समझता हूं कि जामा अलायंस जितनी एक्टिव है शायद ही कोई और एसोसिएशन इतनी एक्टिव हो। उसकी वजह यह कि हमने अपने हाथों से डकैत पकड़े, यहां से अल्लाह का शुक्र है डकैती जो है वो ज़ीरो हो गई है। आजकल जो सबसे बड़ा एक इशू हमारे पास आया हुआ है उस पर हम मजबूर हैं, वो हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चोर लेडी थी फाइव में, मतलब चोर नहीं आया जिसको हम कहेंगे, वो आई हुई है और तीन तीन चार चार लड़कियों का ग्रोह बन के आता है और वो क्या करते हैं कि अब आप लेडीज़ हैं, आपको एक तरफ से दो लड़कियां वो दबाएंगी, प्रेशर देंगी, धक्का देंगी, अब आप उसकी तरफ मुतवज्जा होंगी तो आपका पर्स जो है वो खाली हो जाता है, तो वो पर्स की जिप खोलती हैं बड़े आराम से तरीके से और जो लेडीज़ शॉपिंग के लिए पैसे लेके आती हैं वो उसको चुरा लेती हैं उसमें से। अच्छा अक्सर और बेशतर हमने वो लेडीज़ पकड़ी भी हैं। अच्छा वो पकड़ने की वजह, हम चूँकि जेंट्स हैं वो लेडीज़ हैं, आप समझती हैं कि हमारा माशरा जो है लेडीज़ भले चोर हो लेडीज़ भले कातिल हो उसको हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है। अगर जेंट्स उस पर हाथ डालते तो उनका एक इशू बन जाता है कि जी लेडीज़ पे हाथ डाला, तो हमने बारहा ये रिक्वेस्ट किए एडिशनल आई जी साहब से, आई जी साहब से कि आपकी मेहरबानी हमें लेडीज़ पुलिस दी जाए जो उन लेडीज़ चोर को जो ना पकड़ सके, लेकिन वही बात है कि फिर यहाँ पर भी आके हम खामोश हो जाते हैं कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, अमल मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं मार्केट में मौजूद शॉपिंग के हवाले से बात करूँ तो अभी जो है वो आवाम की हालत बहुत बुरी हुई हुई है, लेकिन यहाँ देख के ऐसा लग नहीं रहा है, तो शॉपकीपर्स का क्या हाल है कि शॉपकीपर्स भी वाकई इस महंगाई से, जो महंगाई इस वक्त उरूज पर पहुँची हुई है उससे तंग है? जी लाजमी सी बातें, देखें इसका जो मतलब इसका जो प्रेशर आता है, इसका जो एंड होता है वो शॉपकीपर पे आता है, दुकानदार पे ही आता है, क्योंकि दुकानदार के पास अभी आपको सामने दुकान दिख रही है, इतनी बड़ी दुकान है, एक कस्टमर नहीं बैठा हुआ, एक कस्टमर जिसको बोलते हैं नहीं आपको दिख रहा होगा, वजह उसकी यही है कि अब कुव्वत ख़रीद हमारी ख़त्म हो चुकी है, कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब होता यह है कि कस्टमर जो कस्टमर पहले शॉपिंग करने आता था वो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की शॉपिंग करने आ रहा है, अब उसने वही शॉपिंग 60,000-70,000 में करनी है, तो वो फिर वो उस तरह से शॉपिंग नहीं कर पाता जिस तरह उसकी ख्वाहिश होती है, जिस तरह से वो चाहती है लेडीज़ के जी हम ब्राइडल सूट है, अब देखें ना ब्राइडल सूट आपको पता है हैंडवर्क होता है, अब वो हैंडवर्क जब बनता है तो उसको एक दिन में तो नहीं बनता, वो तकरीबन एक एक महीने में एक एक सूट बनता है, अब एक महीने में उसके ऊपर कितने लोग बैठे हैं, कितना तो उस पर लागत आती है, अब जब दुकानदार को कस्टमर पैसे नहीं देगा उसकी लागत के तो वो कैसे बेचेगा, लामाला मजबूरन फिर हमें उस काम को हल्का करना पड़ता है और इसी वजह से दुकानदार जो है ना परेशान रहता है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो थोड़ा कुछ इकदाम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक मुझे ना तो कोई गार्ड नज़र आया ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे कराची से जो लोग हैं वो शादी की तकरीबन शॉपिंग वो यहीं जामा क्लाथ से करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास गार्ड्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नहीं आपने देखा होगा, देखें गार्ड बैठे हुए, ये गार्ड बैठे हुए हमारे पास पीछे और मजीद गार्ड होते हैं, इसी तरह से हमारे पास गार्ड्स हैं अल्लाह का शुक्र है, अच्छे खासे गार्ड्स हैं, कैमरे हमने लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जो हम दे सकते हैं वो हमने दिए, और मैंने कहा ना कि वैसे हमारे पास चोर नहीं है, वैसे डकैतियाँ नहीं है, लेकिन ये लेडीज़ जो चोरनियाँ हैं इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो लेडीज़ पुलिस की डिमांड की है तो वो तो हर किसी को चेक नहीं कर सकती ना, अब वो अगर इस तरफ होती हैं उस साइड पे चोरी होती है या उस साइड पे जो है वो किसी का बैग खाली हो जाते तो उस पर क्या, उस पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी देखें इसका मैं आपको बताऊँ, एक टाइम था आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले, DIG शाहिद अयाज साहब के पास हम गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने शायद या साहब ने हमारे को 10 पुलिस वाले दिए थे हमारे इलाके के लिए। अच्छा उसके हुआ यह था, एक हमने पुलिस वाला और एक वॉलेंटियर अपनी तरफ से, ये हमने एक जोड़ी बना दी थी उनकी और हमें वॉकी टॉकी दे दिए गए थे, उस टाइम हमारा वॉकी टॉकी था, तो पूरे एरिया में हमने उनको मतलब
रिप्यूट कर दिया था। जब वो पूरे एरिया में थे तो क्या होता था कि एक जगह से कोई चोर आता था तो वॉकी टॉकी के ऊपर उनको मालूम चल जाता था क्या है, तो मिनटों में सेकंडों में हम वहाँ पहुँच जाते थे। और आज भी अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही है। अब वो पुलिस वाले तो नहीं रहे लेकिन हमारा अभी भी व्हाट्सअप ग्रुप एक्टिव है, हमारे अलायंस के जो अहदेदार हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, वो अगर कोई चोर लेडी को देखते हैं या किसी को समझ में आ जाती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको रोक लेते हैं। और यही वजह है कि हम कुछ ना कुछ, हमारे पास मौजूद हैं वीडियोस मौजूद हैं, जो लेडीज़ अभी पिछले हफ्ते यानी कि आज हम बैठ खड़े हैं तो बुध का दिन है, तो पिछले हफ्ते में कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमने एक लेडीज़ पुलिस पकड़ी और उस लेडीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 रुपये हमने रिकवर कराए। 35,000 रुपये औरत की पर्स से उन्होंने निकाले थे, वो जो जिनके साथ उन्होंने वारदात की थी वो उन्होंने कंप्लेन की, दुकानदारों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि 35,000 रुपये रिकवर भी हो गए। अच्छा, कंप्लेन की, मैं आपकी बात यहाँ पर काट रही हूँ, तो क्या कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर कोई आप लोगों ने कंप्लेन ऑफिस बनाया हुआ है? जो आवाम यहाँ पर आ रही है तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आपने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जामा अलायंस का अपना एक दफ्तर है, आगे की जगह जाके हमारा वहाँ दफ्तर है। अच्छा, दफ्तर जैसे कि वैसे तो अमूमन हम मार्केट में खुद मौजूद होते हैं क्योंकि हमारी अपनी दुकानें हैं, हमारे अपने कारोबार हैं, तो कंप्लेन इसी जो होता है वो यही होता है लेडीज़ को कि वो दुकानदार को कंप्लेन कर देती हैं कि जी ये हमारे साथ मसला हुआ है। अगर वो मसला कोई बड़ा होता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर वो दफ्तर आ जाती हैं, वो दफ्तर आकर हमसे रब्ता करती हैं। अगर जो उनकी प्रॉब्लम होती है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं और अल्लाह पाक का करम है, हमने एक नहीं दसियों मसले इस तरह से हल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ यहाँ पर जामा क्लॉथ मार्केट के चेयरमैन मौजूद थे इरशाद साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये कि इन्होंने जो है इस मार्केट में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिससे जो है यहाँ पर आने वाली ख़वातीन के साथ जिसके अगर किसी किस्म की कोई वारदात होती है तो वो इनको इन्फॉर्म किया जाता है और ये उस पर जो है फौरी तौर पर अमल दरामद करते हैं। और वो रिकवर भी, अभी इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट वीक जो है वो इन्होंने कुछ पैसे जो है वो रिकवर भी करवाए। इसके अलावा पार्किंग की मैं बात करूँ या फिर मैं बात करूँ आप पथारों को लेकर, तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो ये खुद चाहते हैं कि यहाँ से जो है पथारा सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जाए क्योंकि पथारों की वजह से इनके जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।